आप अपने लैपटॉप पर 5-6 घंटों से लगातार काम कर रहे हैं, या फिर कोई सीरीज निपटा रहे हैं, मूवीज पे मूवीज देखे जा रहे हैं, स्क्रीन पर आंखें जमी हुई हैं नॉन स्टॉप। फिर कुछ घंटों बाद क्या होता है, आपकी आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, उनसे पानी निकलने लगता है, हल्का धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। अब इन सारी दिक्कतों के लिए आप जिम्मेदार ठहराते हैं ब्लू लाइट को, वही ब्लू लाइट जो लैपटॉप या फोन से निकलकर हमारी आंख में जाती है, जिसे बचने के लिए हम ब्लू कट चश्मे पहनते हैं ताकि हमारी आंखें सेफ रहे। लेकिन क्या वाकई ब्लू लाइट हमारे शरीर हमारी आंखों के लिए विलेन है, या फिर उसका कैरेक्टर ग्रे है, माने थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा? आज सेहत के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे, डॉक्टर से समझेंगे कि ब्लू लाइट क्या होती है, क्या इससे शरीर को कोई नुकसान होता है, क्या ये हमारी आंखों पर असर डालती है, और ब्लू लाइट के जो भी नुकसान हैं उनसे बचने के लिए क्या करें। सुनिए। Brought to you by Sensodent K. बस पैक ले। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K toothpaste for sensitive teeth. अगर सफेद लाइट को हम स्प्लिट करें तो लाल से लेके ब्लू और वायलेट लाइट तक पूरा स्पेक्ट्रम बन जाता है, जैसे रेनबो है। अब इसमें जो ब्लू लाइट और वायलेट लाइट है, ये हाई एनर्जी लाइट्स हैं। इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा डिसिपेट होती है जब ये कोई भी स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं, तो हमारी आंखों पे भी जाते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आके एक क्लासरूम में बैठे हो, वहां पे व्हाइट लाइट जिसमें ब्लू लाइट हटाई गई है वो है, और दूसरे क्लासरूम है जिसमें अच्छी ब्लू लाइट के साथ व्हाइट लाइट है, ब्लू लाइट विल इंक्रीज द अटेंशन स्पैन, माने कि ब्लू लाइट से आप ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, आप ज्यादा रिमेम्बर कर पाएंगे। तो ब्लू लाइट हार्मफुल नहीं, ब्लू लाइट आपके स्टडीज के लिए इनफैक्ट बेटर है। तो ब्लू लाइट होना चाहिए हमारे लाइटिंग में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के यहाँ होना चाहिए। हम देखते हैं कि बच्चे होते हैं जिनके चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है, वो नंबर क्यों बढ़ता है बच्चों का? क्योंकि उनके आंख की लेंथ बढ़ती चली जाती है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी चश्मे का नंबर बढ़ेगा। ब्लू लाइट से लेंथ ऑफ आईबॉल, मतलब आईबॉल की लेंथ स्टेबलाइज होती है, तभी हम बोलते हैं सारे बच्चों को कि आप 2 घंटे आप बाहर रखो, बाहर जो सनलाइट है उसमें ब्लू लाइट होती है। तो ब्लू लाइट चश्मे के नंबर बढ़ाने से प्रोटेक्टिव है इनफैक्ट। तो अगर आप सोचो कि नहीं मैं बच्चा है उसको बेस्ट चश्मा मुझे देना है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाला देना है, तो उससे उसका नंबर बढ़ने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर हम आंख पे देखें तो ब्लू लाइट जो है पूरे आई पे इंपैक्ट करेगी। सबसे पहले वो पड़ेगी ऊपर के सर्फेस पे जो है कॉर्निया। अब कॉर्निया पे जब वो ब्लू लाइट पड़ती है और जो कंजंक्टिवा मतलब जो व्हाइट पार्ट पे पड़ती है, तो वो आंख में एक इरिटेशन क्रिएट करती है, थोड़ा सा चुभन होगा। अगर कोई किसी को पहले ड्राइनेस है या ओल्ड एज है उसमें ड्राइनेस अक्सर होती है, कॉन्टैक्ट लेंस वेयर्स है, इन सब लोगों में ये ब्लू लाइट इरिटेट करेगी आंख को, ड्राइनेस को बढ़ाएगी। लेंस नेक्स्ट आता है, ज्यादा ब्लू लाइट एक्सपोजर अगर बहुत सालों तक चलता रहे तो लेंस में कैटरैक्ट फॉर्मेशन का चांस हो सकता है। अब ये रिसर्च में प्रूवन नहीं है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। चौथा जो सब लोग होते हैं कि ब्लू लाइट रेटना पे पड़ेगा तो रेटना में डिजनरेशन हो जाएगा, फिर से इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारे जो सेलफोन होते हैं उसका मैक्सिमम ब्राइटनेस भी कर लो तो जो रिकमेंडेड ब्लू लाइट का लेवल है उसका 0.38% तक ही लाइट पहुंच रही है। अगर आप नीला आसमान को देखोगे तो 10% तक पहुंच जाती है। तो अगेन कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ब्लू लाइट के कारण आपका रेटिना अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो है जो फ्लूइड है आंख का, तो ब्लू लाइट के कारण आंख का प्रेशर जो है एक तरह से नॉर्मल रहता है। ब्लू लाइट ब्लॉकिंग से आंख का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने का टेंडेंसी रह सकता है। तो फिर से ब्लू लाइट का दोनों तरफ से है, वो हार्मफुल भी है ड्राइनेस के लिए पर बेनिफिशियल भी है। हाँ, अगर आपको ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूजेज है, तो आप ब्लू लाइट को से प्रोटेक्ट करो अपने आप को,
पर बच्चों में मैं ही समझता हूँ कि ब्लू लाइट प्रोटेक्शन आपको देना चाहिए, उससे उनके अलर्टनेस कम होगा, उनका नंबर बढ़ने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। जो लोग कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिनको पहले से ड्राइनेस है, उनको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन लेना चाहिए। कैसे? ग्लासेस होते हैं जिसमें ब्लू लाइट कवर्ड कोटिंग होते हैं, ब्लू कट ग्लासेस, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड नेम्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके ये सबसेट लोगों को, ओल्ड एज वाले, ड्राइनेस वाले, इन सबको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन ग्लासेस यूज करने चाहिए। वैसे तो ब्लू लाइट के अपने फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में जो लोग कंप्यूटर मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो 20-20-20 रूल फॉलो करें, यानी हर 20 मिनट के बाद किसी 20 फीट दूर रखी चीज को 20 सेकंड के लिए देखें। इससे आंखों को रिलैक्स होने का समय मिल जाता है, आपकी आंखें सेफ रहती हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसा आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लू लाइट से आपका फोकस बढ़ता है, इसीलिए एक्सपर्ट्स आपको ये सलाह देते हैं कि सोने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस दौरान आपके ब्रेन को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका फोकस बढ़ेगा। इसलिए सोने से पहले इनसे थोड़ा दूर रहें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ऑफिस जाने वाले लोगों में क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले, डॉक्टर से जानते हैं। दस दस बारह बारह घंटों की ऑफिशियल और अनऑफिशियल शिफ्ट, काम का ढेर सारा प्रेशर, खाने के नाम पर बाहर की अनहेल्दी चीजें और फिजिकल एक्टिविटी जीरो। ऑफिस जाने वाले बहुत से लोगों की यही लाइफस्टाइल है, खासकर 30-35 साल की युवाओं की, लेकिन काम का यही स्ट्रेस दूसरी और वजहों के साथ मिलकर उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा रहा है। डॉक्टर सुखविंदर सिंह सिबिया कहते हैं कि हर हफ्ते 50-55 घंटे काम करने और स्ट्रेस में रहने से हमारे शरीर में एड्रेनलिन रश होता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है, जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तब हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है, तब एड्रेनल ग्रंथि हमारे खून में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है। इसे शरीर में एक रिएक्शन होता है जिसे एड्रेनलिन रश कहते हैं। लगातार एड्रेनलिन रश में रहने से दिल की आर्टरीज यानी जो धमनियाँ हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। देखिए, हमारे दिल की 3 मुख्य आर्टरीज होती हैं जो खून ले जाने का काम करती हैं। इससे दिल को ऑक्सीजन और मजबूती मिलती है। अब अगर कोई आर्टरी बंद हो जाए या फिर वो सिकुड़ने लगे तो खून का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, उनमें प्लाक जो एक तरह का फैट है वो तेज़ी से जमने लगता है और अंदरूनी सूजन आ जाती है। आर्टरी को किसी भी तरह का नुकसान यानी कि देर सवेर हार्ट अटैक। डॉक्टर सिबिया आगे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, ऐसे में दिल तेज़ धड़कने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे दिल को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। साथ ही हमारे खून में शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ने लगता है और इससे हार्ट अटैक आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, हमें स्ट्रोक का भी खतरा होता है। असल में लगातार स्ट्रेस से हार्ट रिदम यानी कि दिल की लय अनियमित हो जाती है। हमारे दिल के लेफ्ट एट्रियम चेंबर में खून जमा होने लगता है जिससे खून का थक्का बनने लगता है। ये थक्का दिल से होते हुए दिमाग में जा सकता है और फिर स्ट्रोक पड़ सकता है। इसलिए जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खुद को झोंक रखा है, वो अपने आप को थोड़ा ब्रेक दें, काम के घंटे तय करें और उसी के हिसाब से काम पूरा करें, घर का बना खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, टहलने जाएं और अच्छी नींद लीजिए, तभी आप खुद को हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क से बचा पाएंगे, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। पेट में क्यों बढ़ जाते हैं बैड बैक्टीरिया और उनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानते हैं एक्सपर्ट से। हमारे शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, इनमें से कई सारे तो हमारे पेट में रहते हैं। इस पूरे झुंड को टेक्निकल भाषा में कहते हैं गट माइक्रोबायोम। गट यानी कि पेट और माइक्रोबायोम यही छोटे छोटे जीव जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। जब पेट में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तब हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, खाना अच्छे से पचता है और मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। वहीं कई बार हमारे पेट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं तब पेट खराब हो जाता है, पेट फूलने लगता है, सूजन आ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, फिर हम पड़ जाते हैं बीमार। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर हमारे पेट में बुरे बैक्टीरिया बढ़ क्यों जाते हैं,
इसकी वजह क्या है, यह हमें बताया डाइटेशन अमृता मिश्रा ने। डाइटेशन अमृता मिश्रा कहती हैं कि पेट में मौजूद गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच बैलेंस बिगड़ने की वजह है हमारा खाना। कई बार हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि चिप्स, पैक्ड खाना, सीरियल्स, चॉकलेट वगैरह। इनमें भर भर के प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और स्वीटनर्स डाले जाते हैं। इससे गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और पेट में अंदरूनी सूजन आ जाती है और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इसी तरह जो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बीफ, मटन और पोक, उनके पेट में भी हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से सूजन आ सकती है। अगर आप फ्राइड फूड बहुत खाते हैं तो भी आपका गट माइक्रोबायोम गड़बड़ा सकता है। दरअसल इसमें अनहेल्दी फैट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। ऐसा ही कुछ सीलियाक बीमारी और ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों के साथ भी होता है। ऐसे लोगों को ग्लूटेन खाने से पेट में दिक्कत हो सकती है, जिससे गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, राई और जौ में होता है। ऐसे लोग चावल, ज्वार, बाजरा, रागी जैसी चीज़ें खा सकते हैं। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी जिन्हें दूध और दूध से बनी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, ऐसे लोगों को लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने चाहिए। आप चाहें तो बादाम या फिर दूध या फिर सोया मिल्क भी पी सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।